हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम एचसीवी कर ही रहे हैं। जो चैप्टर फिलहाल हम लगा रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। आज उस चैप्टर के आखिरी ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। आई थिंक लास्ट 14 क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर के, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर लगा पाएं। ठीक है, चलिए आ जाइए। आज का पहला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, क्या है। One end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and the other end is fitted with a small smooth ring of mass m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height h. Initially the spring makes an angle of 37 degrees with the vertical when the system is released from rest. Find the speed of the ring when the spring becomes vertical. ठीक है जी, ओके जी, क्वेश्चन समझे आप। ये है इसकी इनिशियल कंडीशन, इस समय v जीरो है। इस कंडीशन से इस रिंग को छोड़ा गया है। छोड़ने के बाद क्या होता है, छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ होगा। ठीक है, छोड़ने के बाद क्या है, ये रिंग आगे की तरफ जाएगी। कब तक जाएगी, किस पोजीशन की हमें बतानी है वेलोसिटी। हमने बोला उस पोजीशन की वेलोसिटी बतानी है जब ये जो स्प्रिंग है ये क्या है, वर्टिकल हो जाए। तो मैंने बोला रिंग ऐसे कुछ लगी होगी, यहाँ पे रिंग ऐसे करके लगेगी। मैंने बोला स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगी, ठीक। और h, तो मैंने बोला इस समय क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है, कोई एक्सटेंशन है, कुछ भी नहीं है। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, इसका मतलब इस मूवमेंट पे, ठीक है। मैंने बोला इस मूवमेंट पे जो इस रिंग की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, मैंने बोला उसको v मान लेते हैं। यही हमें निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। इस पोजीशन, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन। अभी केस खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रहा, मैंने बोला इनिशियली क्या है, स्प्रिंग स्ट्रेच है कुछ। तो मैंने बोला जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है इस समय, मैंने बोला वो क्या है, एक्स इलोंगेशन, इलोंगेशन इनिशियली, इनिशियल इलोंगेशन, उसको मैंने एक्स माना है, एक्स लेट किया। तो मैंने बोला ये हाइट अगर एच है, जो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, हाइट कितनी है उसकी, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, एच है। मैंने बोला खींच के उसको क्या कर दिया, एक्स इलोंगेट कर दिया इस पोजीशन पे। इसका मतलब इस समय जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो गई होगी, ये हो गई होगी आपकी एच प्लस ऑफ एक्स के बराबर, बिल्कुल हो गई होगी। तो मैंने बोला ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इसको देखो, इस ट्राइंगल में cos 37 किसके बराबर है, h अपॉन h प्लस ऑफ x के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 के बराबर। तो इससे आप h इन टर्म्स ऑफ x निकाल पाएंगे, निकाल लो 4h प्लस ऑफ 4x। तो h कितना है आपका, h आ गया आपका, सॉरी x बाय 4, x निकालना था इन टर्म्स ऑफ h। तो मैंने बोला स्प्रिंग में इलोंगेशन इनिशियली कितनी है, वो है h बाय 4 के बराबर। अभी ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, वर्क डन, ठीक, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा हाफ k इनिशियल कंप्रेशन एक्सटेंशन कितना है, कितना है, x के बराबर। तो जाएगा h बाय 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस ऑफ, फाइनली नेचुरल लेंथ पे आ चुकी है स्प्रिंग, जीरो इक्वल्स टू, पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर के बराबर। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ हाफ m इंटू जीरो के स्क्वायर के बराबर, तो वो हो जाएगी जीरो के बराबर, ठीक है। हाफ से हाफ उड़ गया, v निकालना था आपको, तो v आया आपका k बाय m का अंडर रूट और यहां पे h बाय 4। तो h बाय 4 अंडर रूट ऑफ k बाय m, दिस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ठीक। देख लो, सवाल आसान है, होना चाहिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 52। फिगर शोज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल रिजिडली अटैच्ड टू अ स्मॉल हेवी ब्लॉक एट वन एंड एंड अ हुक एट द अदर एंड।
The system is released from rest with the rod in a horizontal position. There is a fixed smooth ring at a depth h below the initial position of the hook. अच्छा ये ओ पेन दूसरा ले लो. ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेप्थ है वो कितनी है? h है शायद, h है ठीक. ये लेंथ कितनी है? l है. अभी क्या बोला है? बिलो द इनिशियल पोजिशन ऑफ द हुक एंड द हुक गेट्स इन टू द रिंग एज इट रीचेज देयर वॉट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन अ कंप्लीट सर्किल अबाउट द रिंग. ठीक है, ये हुक से एक ब्लॉक स्ट्रिंग के द्वारा, एक लाइट रॉड के द्वारा सॉरी, अटैच किया गया है. ऐसे किसी डेप्थ किसी हाइट एच से ऐसे छोड़ते हैं. छोड़ने के बाद क्या होता है? ये जो हुक नीचे एक रिंग लगी हुई है उसमें फंसता है. फंसने के बाद क्या होता है? ये कैसे वर्टिकल सर्कल में घूमता है. ठीक है, तो यही कोई क्वेश्चन समझ में आया. अब बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द रिंग. कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, कितनी हाइट एच से छोड़े, मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी कि वो एक वर्टिकल सर्कल में घूम जाए. मैंने बोला ठीक है. मैंने बोला इसके बाद वाली कंडीशन में बता रही हूं. मैंने बोला कंडीशन इसके बाद वाली बता रही. मैंने बोला क्या होगा? ये ऐसे घूमेगा और घूमने के बाद इस पोजीशन से घूमेगा और ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा. यहां तक इसको मिनिमम पहुंचाने का है. ठीक है, यहां पे ठीक है. तो मैंने बोला यहां तक पहुंचने, जस्ट यहां तक पहुंचा. मैंने बोला यहां पे भी जीरो हो जाए. ठीक, मैंने बोला इस पॉइंट पे जब ये हुक में फंसता है, मैंने बोला उस पॉइंट पे जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो मैंने बोली वी. उस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है? वी मानी है. ठीक है जी, मिनिमम चाहिए हमें एच की वैल्यू, तो हमने बोला मिनिमम वाला केस लगा देंगे हम पूरे में. तो मैंने बोला ये लेंथ कितनी है? एल. हमें क्वेश्चन में दे रखी है जो रॉड की लेंथ है वो एल है. मैंने बोला इस ये इनिशियल पोजिशन, ये पोजिशन और ये पोजिशन, यहां पे जो ब्लॉक है, तो मैंने बोला इन दोनों पोजीशन के बीच में जरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ. ये ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे मिलेगी? मैंने बोला एम जी नीचे है फोर्स, एक ही फोर्स लग रही है. कितनी? एम जी. एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना है? एल. तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एम जी इंटू एल इक्वल्स टू फाइनली क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए इज हाफ इंटू एम डी स्क्वायर. वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कर रहे थे वही किया है. एम से एम उड़ गया तो वी हमारा क्या आ गया? वी आ गया अंडर रूट ऑफ टू जी एल के बराबर. इसका मतलब कि हाइट कितनी, कुछ इस तरह की हाइट एच से हम छोड़ेंगे कि रिंग में फंसने के बाद जो ब्लॉक की वेलोसिटी होनी चाहिए इस पोजीशन पे वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ टू जी एल के बराबर कम से कम तो होनी ही चाहिए. मैंने बोला बिल्कुल होनी चाहिए. अभी क्या करने का है? अब देखो फिर से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगी, लेकिन इस बार मैं इनिशियल फाइनल पोजीशन चेंज कर रही हूं. मैंने बोला अब इस पोजीशन ए और इस पोजीशन बी, ए डैश और इस बी डैश के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ. मैंने बोला यहां पर रेस्ट से छोड़ी थी, बी पे मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितनी चाहिए? इतने के बराबर, वी के बराबर चाहिए. ठीक है, ताकि ये वर्टिकल सर्कल में घूमे बाद में जाके, बिल्कुल ना. तो मैंने बोला अब ए डैश और बी डैश पोजिशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, एम जी नीचे, कितना डिस्टेंस नीचे चला है? एच. तो लिखेंगे एम जी इंटू एच, पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी? इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी के बराबर हो गई? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर. इनिशियली कितनी थी? मैंने बोला माइनस ऑफ जीरो, बिल्कुल थी. वैल्यूज पुट करो, एम से एम जी एच, टू जी एच इक्वल्स टू वी की जगह रखोगे वी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा टू जी एल के बराबर. तो एच शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? एच शुड बी इक्वल्स टू एल के बराबर. ठीक, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच आ गई. ठीक, बढ़िया सवाल है, देखा जा सकता है, देख लो. ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53 पे आ गए हम. द बॉब ऑफ पेंडुलम इज एट रेस्ट इज गिवन अ शार्प हिट टू इम्पार्ट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 10 जी एल
वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन फर्स्ट पार्ट द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल. ठीक, ए पार्ट कर रहे हैं अभी हम. क्या हो रहा है? यहां पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसको क्या किया है? वेलोसिटी दी है कितनी? अंडर रूट ऑफ 10, सॉरी इरेजर, अंडर रूट ऑफ 10 gl के बराबर. ठीक है, बोला क्या है? कब टेंशन निकालनी है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, इसका मतलब कुछ इस पोजीशन पे बॉब आ जा रहा होगा मेरा. ठीक है, मैंने बोला इस पोजीशन पे हमें क्या निकालनी है? स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है. ठीक है, मैंने बोला टेंशन कैसी लग रही होगी स्ट्रिंग में? मैंने बोला ऐसे टी के बराबर कुछ ऐसे करके. मैंने बोला वो ये लेंथ एल, तो ये वाली लेंथ भी एल. तो मैंने बोला अगर इसको रेस्ट में माने, मतलब सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स जो लग रही हो बाहर की तरफ, वो कितनी लग रही होगी? वो लग रही होगी एम वी स्क्वायर इनटू एल के बराबर. वी क्या है यहाँ पे? वी यहाँ पे इस पोजीशन पे इस बॉब की वेलोसिटी है. इस पॉइंट पे जो बॉब की वेलोसिटी है उसको मैंने वी माना है. था ठीक है, ठीक है. अभी क्या करने का है मुझे? अब कुछ नहीं है, मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और एक चीज मुझे पता है कि मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम आता है. तो मैंने बोला ए से बी में, ए टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, लगा दो. मैंने बोला एम जी नीचे इस पॉइंट पे, एम जी नीचे, एम जी के द्वारा वर्क डन. तो मैंने बोला एम जी नीचे इस पॉइंट पे आने के बाद एम जी ऊपर कितना आ जा रहा है? मैंने बोला एल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो माइनस ऑफ एम जी इंटू एल. ठीक है, इक्वल्स टू, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बाद में क्या हो जा रही है स्पीड? हाफ एम वी स्क्वायर. इनिशियली कितनी थी? हाफ एम इंटू 10 जी एल. अंडर रूट ऑफ 10 जी एल को मैंने क्या लिख दिया है? 10 जी एल. स्क्वायरिंग कर दी पहले ही. तो मैंने बोला एम से एम से एम तो उड़ गया मेरा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ जी इंटू एल इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर माइनस ऑफ 5 जी एल. हाफ वी स्क्वायर माइनस ऑफ 5 जी एल. 5 जी एल इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टू द 8, तो ये हो जाएगा 8 जी एल इक्वल्स टू वी अंडर रूट में. ये हमारी V की वैल्यू आ गई इस पोजीशन पे. तो हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन फोर्स किसके बराबर हो गई? टेंशन हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय एल के बराबर. एम कितना है हमारा? एम वी कितना है? अंडर रूट ऑफ 8 जी एल इसका स्क्वायर इनटू में एल. तो हमारी टेंशन किस पोजीशन पे कितनी आई? 8 एम जी के बराबर. न्यूटन्स, फ्यूटन्स लगा लो, यूनिट लगानी है तो. ठीक, आराम से क्वेश्चन किया, कुछ नहीं किया है. इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के. अब टेंशन किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर बाय एल के बराबर है इस पोजीशन पे, वही लगा दिया है. दूसरा पार्ट, द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब है, तब बताओ क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग. बता देंगे क्या है. बी पार्ट देखो, ये इनिशियल, ये फाइनल. इस समय स्पीड v, इस समय स्पीड कितनी है? अंडर रूट ऑफ 10 जी एल. क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ मैं खुद से नहीं कर रही. वर्क एनर्जी थ्योरम, उस समय की वेलोसिटी निकालेंगे हम बॉब की. तो मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम, mg ऊपर कितना चला अभी? l प्लस ऑफ l 2l, तो माइनस ऑफ mg इनटू 2l इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर दैट इज ऑफ 10 जी एल. ठीक है, तो हाफ से हाफ ये हो जाएगा 5, m से m से m तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 जी एल प्लस ऑफ 5 जी एल. ठीक है, इनटू में 2 इक्वल्स टू v का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 टू से 6, तो हो जाएगा 6 जी एल का अंडर रूट v. ये v कब है?
हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी स्पीड पता है मुझे, ठीक है जी। तो मुझे क्या निकालना था, टेंशन निकालना। तो अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पे, इस बॉब पे फोर्सेस कैसी कैसी लग रही होंगी, मैंने बोला mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक, टेंशन भी नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक, और बाहर की तरफ क्या लग रही होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आएगी, किसके बराबर आएगी, वो आ जाएगी आपकी mg स्क्वायर बटा l के बराबर। मैंने बोला ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो mg प्लस ऑफ t विल बी इक्वल्स टू mg स्क्वायर बटा l के बराबर। तो टेंशन कितनी आ गई, m इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी है 6gL बाय l माइनस ऑफ mg ना जी, तो ये कितनी हो जाएगी 5gL के बराबर। ओ gL नहीं आएगा, mg आएगा, 5mg, ठीक, हायर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन। अब क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, जैसे हमने दो पार्ट किए, तीसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसे करने का है। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकली अपवर्ड, 60 डिग्री बना रही है उस समय बताओ। सी पार्ट देखेंगे, वही करना है जो अभी तक किया, इनिशियली यहां पे, मैंने बोला फाइनली यहां पे है कहीं, जब स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, इस समय फोर्सेस क्या क्या आएंगी, मैंने बोला mg नीचे, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कैसी कैसी फोर्सेस आ, मैंने इस बॉब पे कैसी कैसी फोर्सेस आ रही होंगी देखोगे, तो एक तो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T, और क्या हो जाएगा, mg का कंपोनेंट करोगे इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक, v, ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पीड अंडर रूट ऑफ 10gL, ठीक। अभी क्या है, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, v निकालो। अभी बॉब पे बाहर की तरफ कितना लग रहा होगा, mv स्क्वायर बटा l, जो कि पहले भी लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स। तो यहां पे दो इक्वेशन बनेगी कैसी, t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटा l, ठीक, एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाएंगे, इस पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो मैंने बोला mg ऊपर कितना गया, तो mg क्या है, mg माइनस ऑफ mg सॉरी इंटू एल प्लस ऑफ एल कॉस थीटा के बराबर। एल, ये कॉस थीटा आएगा ना, ये एल है पूरी लेंथ, तो एल कॉस थीटा और ये एल, तो एल प्लस ऑफ एल कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल, कितना वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल हाफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ 10gL का होल स्क्वायर। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और आपका टेंशन टी निकाल लो, ठीक। तो क्वेश्चन बढ़िया है, कर सकते हो, देख लीजिए। ओके, देन अगले सवाल पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, कनेक्टेड टू अ 100 ग्राम बॉल, द बॉल इज पुल्ड असाइड सो दैट द स्ट्रिंग मेक एन एंगल of 37 degree with the vertical and is then released. Find the tension in the string when the bob is at its lowest position. ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, इस समय जब स्ट्रिंग जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 37 degrees. उस समय क्या है, बॉब को ऐसे पकड़ा और यहां से छोड़ा, छोड़ने के बाद बॉब नीचे आएगा, तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे जब बॉब आता है तो पूछा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, यही है क्वेश्चन आपका, ठीक। मैंने बोला इस वाली पोजीशन पे क्या हो रही है, मैंने बोला इस वाली पोजीशन पे क्या है, रेस्ट से छोड़ा है, तो मैंने बोला यहां के लिए तो वी जीरो होगा। मैंने बोला जब यहां पे बॉब लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा, तो मैंने बोला इस समय इस बॉब की जो स्पीड मैं बोल रही हूं वो v के बराबर कुछ मान ले रही हूं मैं, मुझे नहीं पता ये कितनी है, मान लिया मैंने, और स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया मैं। मैंने बोला इस समय जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा तो इस बॉब पे कैसी कैसी फोर्सेस लग रही होंगी, मैंने बोला एक तो इस बॉल पे सॉरी टेंशन t ऊपर की तरफ नीचे mg, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आएगी बाहर की तरफ कितनी के बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन ये एल
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेडियस की तरह काम करी है, तो एम वी स्क्वायर बाय एल के बराबर। तो इस वाले पॉइंट पे जरा मैं फोर्स बैलेंस करूंगी तो ये आ जाएगा टी विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बटा एल। ठीक, एम जी मुझे पता है, मुझे निकालना है वी, इस पोजिशन की वी निकालना। तो मैंने बोला एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, इस दो पॉइंट के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? हमने बोला एम जी नीचे कितना आया है, मैंने बोला ये एल है, ये एल है, तो ये वाली जो लेंथ है ये, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस ऑफ 37 डिग्रीज। टोटल लेंथ थी एल, तो कितना नीचे आया है, लेंथ डिसेंडेंट, हाइट डिसेंडेंट कितना हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, दैट इज कॉस 37। कितने के बराबर हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एल कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 की बराबर, दैट इज एल बाय 5 नीचे आई है बॉल। ठीक है, जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे आई है, तो मैंने बोला लगा, तो मैंने बोला एम जी इंटू एल, डिस्टेंस डिसेंडेंट कितना है, हाइट डिसेंडेंट कितना है, एल बाय 5 इक्वल्स टू इनिशियली फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितनी है, स्पीड v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली कितना है, जीरो पॉइंट ए पे, ए से बी के बीच में हम लगाए हैं, तो m से तो m उड़ गया, तो ये बचा 2gl बटा 5 का अंडर रूट। ये हमारी आ गई वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन खत्म हो गया, वैल्यू पुट करो, तो t विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ m इंटू 2gl बाय 5l। एल से तो एल उड़ गया, तो हो जाएगा 5 और 7, 7 एम जी बाय 5 के बराबर। इतनी टेंशन होगी स्ट्रिंग में इस पॉइंट पे। अच्छा, अब मासेस वगैरह दे रखा है तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, 7/5 इंटू एम कितना है आपका, 100, तो 100 बटा 1000 इंटू में 10, ये तो उससे उड़ गया, और ये हो जाएगा 1.4 न्यूटन्स के बराबर लगभग। तो इस समय जब बॉल लोअर मोस्ट पोजीशन पे अपनी, तो कितना होगा टेंशन स्ट्रिंग में, 1.4 न्यूटन। जैसा हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन इज, फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। A block of mass m is pushed against a spring of spring constant k fixed at the left end and is then released. Find the initial compression of the spring so that the block presses the track with a force mg when it reaches the point p where the radius of the track is horizontal. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बता रही हूँ क्या हो रहा है आपको। ये एक ब्लॉक है, इनिशियली क्या है, स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, ब्लॉक को ऐसे पीछे ढकेला जाता है और स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद उस पोजीशन से छोड़ा जाता है। उस पोजीशन से छोड़ने के बाद क्या होता है, ब्लॉक आगे किसी वेलोसिटी से आता है और कहाँ किस पॉइंट तक जाता है, पी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, तो बोला है फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विद अ फोर्स एम जी। बोला है कि कितना स्प्रिंग में कंप्रेशन डालें, कितना पीछे ब्लॉक को स्प्रिंग ब्लॉक के द्वारा स्प्रिंग को कंप्रेस की जाए, जिसकी वजह से पॉइंट पी पे जो ब्लॉक पे फोर्स लग रही हो वो कितनी हो, एम जी के बराबर हो। ठीक है, ट्रैक से, ठीक, ये बोला है क्वेश्चन में। तो मैंने बोला जब ब्लॉक पॉइंट पी पे आएगा, पॉइंट पी पे आएगा, तो बोलेगा, बोला है कि इस पॉइंट पे जो ब्लॉक पे फोर्स लग रही हो वो कितनी हो, एम जी के बराबर हो। ठीक, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इस ये वाला जो सर्किल है इसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है। अगर मैं इस पॉइंट पी पे ब्लॉक की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी इस ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी, इस पॉइंट पी पे कितनी लग रही होगी, मैंने बोला एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसमें वी क्या है, वी है वेलोसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुंचा तब उस समय जो ब्लॉक की वेलोसिटी है उसको मैंने बोला है v। तो मैंने बोला यहां से अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से जो हमारा v आया
ये निकल कर आता है अंडर रूट ऑफ जी आर के बराबर। ठीक है, मैंने बोला इनिशियली क्या हो था, इनिशियली ये कंडीशन थी कि ब्लॉक पे मैंने बोला इनिशियल कंप्रेशन मान लेते हैं x है, हमने ब्लॉक को पीछे ढकेला तो ब्लॉक पे इनिशियल कंप्रेशन x है। जब ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंचा, स्प्रिंग में कंप्रेशन x है, सॉरी, जब ब्लॉक इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो उस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गई होगी जीरो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने बोला इनिशियली वो पॉइंट जब ब्लॉक कंप्रेस किया होगा और जब ब्लॉक इस पॉइंट पी पे पहुंचेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगी। तो मैंने बोला वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा एक, तो दूसरा क्या होगा, वर्क डन बाय एमजी होगा, एमजी ऊपर तक ले जाएगा इसको यहां से, और कोई फोर्स के द्वारा तो वर्क डन आएगा ही नहीं। ठीक है जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हम कर ही देंगे। तो मैंने बोला जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया था एक्स डिस्टेंस ब्लॉक, तो मैंने बोला उस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स था, तो मैंने बोला अगर मैं स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन लिखूंगी तो लिखूंगी हाफ के इनटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। फाइनली जब ब्लॉक पॉइंट पी पे पहुंच गया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन जीरो प्लस। अच्छा, अब mg क्या है, mg नीचे लग रहा था और ब्लॉक ऊपर चला है, कितना चला है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मैंने बोला r ऊपर चला होगा। तो मैंने बोला mg का वर्क डन कैसे आएगा, माइनस ऑफ mg इनटू में r, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पॉइंट p पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनटू v स्क्वायर, ये v कौन सा है, ये वाला v। इनिशियली रेस्ट पे से सिस्टम चालू हुआ था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आपको पता है, v की वैल्यू यहां से उठाओ यहां पुट करो तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी इंटू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, v की जगह मैं लिखूंगी जी आर, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर करोगे तो जी आर आएगा। यहां से x अगर आप निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ थ्री एम जी आर बाय के बराबर, निकाल के देख लीजिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे बढ़ चल रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। द बॉब ऑफ अ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिप टू इम्पार्ट इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ अंडर रूट ऑफ 3gl। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। बॉब है ये, पेंडुलम है, मान लीजिए ऐसे मतलब ये बॉब ऑफ द पेंडुलम है, इसको क्या करता है यहां पे एक इंपल्स देता है, कितनी वेलोसिटी मिलती है इससे, अंडर रूट ऑफ 3gl के बराबर। ठीक, उसके बाद बोलता है कि ये वेलोसिटी दी अगर लोएस्ट पॉइंट पे तो बताओ कि कितना एंगल रोटेट करने के बाद जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, यही बोला है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट आएगा, ये कोई पॉइंट है, जब इसका वर्टिकल से जो एंगल कितना होगा, मैंने बोला थीटा होगा, उस समय क्या होगी, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। मैंने बोला स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी तो जस्ट, तो मैंने बोला कि अभी इस समय क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन इन दी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, कोई दो राय की बात नहीं है। तो मैंने बोला इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर मैं ए मान रही हूं तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये बी मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो मैंने बोला बी पॉइंट पे जरा फोर्सेस बताओ कि बॉब पे कैसी कैसी लग रही होंगी इस पे। तो मैंने बोला एक mg नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, और एक mv स्क्वायर बाय r बाहर के डायरेक्शन में। v क्या है, v है इस पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने बोला mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक सेंटर की तरफ आएगा कितना mg cos थीटा और एक टेंजेंशियली आएगा कितना mg sin थीटा। इस वाले से तो कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला ये वाले कंपोनेंट ही कर हमें मतलब है। तो मैंने बोला ये सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आ रही है इस पे बाहर की तरफ, तो मैंने बोला ये लिख सकती हूँ मैं mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो मैंने बोला पॉइंट b पे जो वेलोसिटी होगी बॉब की वो किसके बराबर होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ जी आर cos थीटा के बराबर, बिल्कुल होगी, होनी ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैंने बोला अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं ए से बी में वर्क डन लगाने वाली हूं। क्या लगाने वाली हूं, वर्क डन। एक तो मैंने यहां से वी निकाल लिया, अब उस वी का इस्तेमाल करके मैं वर्क डन
इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगी। मैंने बोला यहां से लेकर यहां पे जाने में क्या है, mg ही वर्क कर रहा है और कोई फोर्स वर्क डन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला mg कितना ऊपर गया इस पॉइंट तक, तो मैंने बोला यदि ये r है तो ये वाली लेंथ, ये r है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये बची वाली, ये कितनी हो जाएगी r cos थीटा। तो mg ऊपर कितना गया, r नहीं है l है, सॉरी है, स्ट्रिंग की लेंथ दी है ना, l, l ही लिखते हैं। तो ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, L cos थीटा, तो mg ऊपर कितना गया है, L plus of L cos थीटा, mg का डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला mg नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय mg है, तो माइनस ऑफ mg इंटू L प्लस ऑफ L cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B पे हाफ इंटू m v स्क्वायर, ये वाला v, पॉइंट B पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, माइनस ऑफ हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर कितना था, अंडर रूट ऑफ थ्री जी इंटू एल का होल स्क्वायर। ये आर की जगह जरा एल से रिप्लेस कर लो, आर तो है नहीं, एल के टर्म्स में दिया है, तो मैंने बोला जी एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा, ठीक है, ठीक, बस इसको सॉल्व कर लो, इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो ये निकाले आएगी 1/3 के बराबर, तो जो थीटा आएगा वो आएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 के बराबर, ठीक है, आप सॉल्व करें आंसर लाइए, आसान सवाल है, होना चाहिए, देख लीजिए। हमसे सॉरी, यहां पर जो ये थीटा है ये आपका माइनस ऑफ 1/3 आ रहा है, माइनस ऑफ 1/3, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ रूट 57 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक। तो ये तो बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या किया है, ये पेंडुलम है, यहां पे अभी ये जो नीचे वाली जो वेलोसिटी है ये कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 57, ठीक है, मैंने बोला किसी इस पॉइंट पे आके स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। अब यहां पे क्या है, फोर्सेज वगैरह लग रही होंगी, कैसी कैसी फोर्सेज लग रही होंगी, तो मैंने बोला mg cos थीटा सेंटर की तरफ लगेगा और बाहर सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगेगा, कितना, एम वी स्क्वायर बाय एल के बराबर, ठीक है, अंदर की तरफ क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, पहले ही वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक तो इक्वेशन यहां से जो वी की वैल्यू निकालूंगी मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बी पे, ये ए पॉइंट इस बी पॉइंट पे आके मानना मैंने ये थीटा एंगल बना के स्ट्रिंग स्लैक हो गई है, ठीक है जी। तो मैंने बोला यहां से अगर v निकालूंगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा के बराबर, ठीक। उसके बाद पॉइंट ए से बी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया मैंने, क्या किया मैंने, तो मैंने बोला mg नीचे तो माइनस ऑफ mg इंटू एल प्लस ऑफ l cos थीटा, l प्लस ऑफ l cos थीटा इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना, जी एल cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, कितना, अंडर रूट ऑफ 57 का स्क्वायर, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, अब मेरे को इसमें से एक चीज निकालनी थी, थीटा निकालना था, तो इसमें से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है इसमें आती है आपकी 0.6, कैलकुलेट करना इतनी ही आएगी। इक्वेशन बनाना मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बायकायदा फोर्सेस के साथ सिखा दिया था, तो जो थीटा आएगा आपका वो कितना आ गया, इससे 53 डिग्रीज के बराबर आ गया। ये तो पार्ट ए, पहले हम सॉल्व किए हैं, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट है, पढ़ लेते हैं, बी पार्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंस, इट्स इंस्टेंस बी पे हमें स्पीड बतानी थी, तो हमने बोला ये तो वी ही है, तो वी कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा के बराबर है। मैंने बोला वैल्यू जरा पुट कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी इंटू एल 1.5 कॉस थीटा, कॉस थीटा 0.6, ठीक, कैलकुलेट करो, ये आएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड,
के बराबर। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो करने लायक है। क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पार्ट ट्रिकी है, ये पार्ट आपको समझना है अच्छे से। क्या करने का है, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझने का है। मैंने बोला ये पार्टिकल है, ये ऐसे स्ट्रिंग से टंगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट तक कुछ आया, मैंने बोला इस पॉइंट पे आने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो गई है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। कितनी वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, मैंने बोला ये जो वी वेलोसिटी है ना अभी इस समय, यही तो वेलोसिटी होगी ऑफ प्रोजेक्शन इसके पास। मैंने बोला बिल्कुल होगी, ठीक है। तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमें निकालना है क्या, क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर पार्टिकल कितना गया है, ठीक। तो मैंने बोला यहां से लेकर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा पार्टिकल कुछ, बिल्कुल करेगा। तो मैंने बोला ये एंगल कितना था मेरा, ये एंगल मेरा अगर थीटा था तो मेरा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पेन से अगर मैं बना दूं, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा था। तो मैंने बोला ये हाइट कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल की, आपको पता है, आपने देखा भी है कैसे करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g से निकालते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो याद कर लो, ठीक है। तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर कितना हाइट था, तो मैंने बोला एक तो ये हाइट जो प्रोजेक्टाइल की वजह से हुई है, और एक ये हाइट भी है, ये हाइट भूल मत जाना। ये हाइट कितनी होगी, मैंने बोला ये लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो टोटल हाइट अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एल कॉस थीटा प्लस ऑफ ये वी थी, तो मैंने बोला वी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर। यही तो टोटल हाइट है, ये प्रोजेक्टाइल से जो हाइट इसने की कवर की, और एक ये नीचे वाली, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक आने के लिए। तो मैंने बोला बस वैल्यूज पुट कर देना है, का है तो एल की वैल्यू कितनी 1.5, कॉस थीटा इज 0.6, प्लस ऑफ वी स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.8 इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, आपको पता है 10। अब यहां से आप h नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट करना, ये आपका आएगा 1.2 मीटर के अराउंड कुछ आ रहा है आपका, ठीक है। ये जो सी पार्ट है सिर्फ यही देखने लायक है, ये तो हम पहले भी इसका ए और बी पार्ट तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये तो आसानी से होना चाहिए आपका। चलें देख लें,